हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मकई के पकोड़े की रेसिपी, जो थोड़े अलग तरीके से बनाए गए हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और टेस्टी तो है ही है, और ये झटपट बन भी जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे भुट्टा ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास देसी वाला ये भुट्टा है, आपके पास जो भी भुट्टा हो उसे ले ले। आपके पास अगर फ्रोज़न है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से देसी वाले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अमेरिकन स्वीट कॉर्न रहता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो भुट्टों को मैंने इस तरह से कट करके ले लिया है। इसमें मैं एक छोटे साइज़ के प्याज डाल रही हूँ और एक छोटे साइज़ का ही मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे 2 से 3 स्लाइस मैं चीज़ के डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आप चीज़ डाल दें। मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस का यूज़ किया है, आप नॉर्मल प्रोसेस चीज़ का यूज़ करें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे हम नमक डालेंगे, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लेकिन थोड़ा कम डालेगा क्योंकि चीज़ में भी होता है। थोड़ा सा मैंने मिक्स हर्ब डाला है, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होता है वो मैंने डाला है, 1/4 TSP। और मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डालें, तो यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच मैंने डाला है, 1/4 छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च डाला है, और आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके अंदर हम मैदा और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी जो है वो इक्वल रखेंगे। तो पहले मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसमें 1 अंडा डाल रही हूँ। अगर आप अंडा ना खाते हैं तो आप इसके जगह पे पानी का यूज़ करें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लावर थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको कम ज़्यादा लग सकता है, मुझे इसमें टोटल 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर गया है। पानी किस हिसाब से छोड़ता है उस हिसाब से आपको इसमें डालना है। अगर आप अंडा नहीं डालेंगे तो आपको मैदा कम लगेगा, क्योंकि उस हिसाब से बाइंडिंग बस उसकी हल्की सी हो जानी चाहिए, बस इतना ही हमें चाहिए। उसके बाद हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल को हम मीडियम गरम करेंगे, उसके बाद हम इसमें 1-1 करके डालेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पर हम नहीं करेंगे। और एक बार जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको पलटेंगे, तुरंत तुरंत आप इसको टच नहीं कीजिएगा, और दोनों साइड से पलटते हुए जब ये गोल्डन हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपके इसके पकौड़े बनाने हैं। और अंडा के वजह से इसमें जो अलग सा एक फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अगर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सभी पकौड़ों को बना के ले लिया है। इसे आप हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ में सर्व कर सकते हैं, आप इसे मेयोनीज के साथ में भी खा सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।